मेरा नाम मोहम्मद सिराज भट्ट, बलरामपुर का रहने वाला हूँ। बलरामपुर का जो है रायभट समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर मदरसे में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जी, इसमें आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे और आपकी क्या भूमिका रही इस कार्यक्रम में? मैं देश के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का अमन चैन कायम रहे। इस देश में हिंदुस्तान के लोग सदियों से हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लोग आपस में शांति, सद्भाव और प्रेम से इस देश में रहें और इस देश के कानून का पालन करें और इस देश से मोहब्बत करें। मैं एक शेर के साथ बताना चाहता हूं कि जो है बहुरंगी यहाँ धर्म है, बहुरंगी पर धान, एक तिरंगे के तले सारा हिंदुस्तान। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो देश के लिए मोहब्बत नहीं रखते हैं, देश प्रेम नहीं रखते हैं,
मैं उनको भी एक शेर के साथ बताना चाहता हूँ कि देश पे अपने जिसको ना अभिमान हो, देश पे अपने जिसको ना अभिमान हो, जो तिरंगे की करता ना हो सम्मान हो, और देश में रहने के वो काबिल नहीं, हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मदरसों को लेकर कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वसीम रिजवी हैं, उन्होंने भी थोड़े कई दो तीन दिन पहले एक बयान दिया है कि मदरसों को, प्राथमिक मदरसों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मोदी को पत्र लिखकर ये शिकायत की है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? मदरसे का जो ताल्लुक है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मदरसों से हमेशा देश की देशभक्ति, देश की मोहब्बत और यहाँ के बच्चों को जो वतन प्रेम सिखाया जाता है, वो मदरसों से देश प्रेम की भावनाएं जागृत होती हैं। और 1857 के बाद, 1857 की जंग में जब अंग्रेज़ों ने ये समझा कि हिंदुस्तान पे मैं हुकूमत नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसे के मौलवियों को फांसी के तख्ते पे लटका दिया, और ये कहकर लटका दिया कि इनको तब तक न उतारा जाए जब तक हिंदुस्तान का हर आदमी इनको देखकर सबक न सीख जाए और इनके अंदर देशभक्ति की भावना ख़त्म हो जाए। तो 1857 में हमारे देश के उलमाओं ने भी देशभक्ति के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, और मदरसों से देश प्रेम सिखाया जाता है, वतन की मोहब्बत सिखाया जाता है। मैं जो ऐसी शब्द कहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इत्तफाक नहीं रखता हूँ, ऐसी चीज़ का मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि मदरसे हमेशा अमन और शांति का पैगाम देते हैं। यही मेरी सोच है और यही मेरी ख्वाहिश है कि मदरसों से बच्चों को देशभक्ति, वतन परस्ती ये बताई जाए। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ और फरमाया था कि यही वफा है, यही वफा है, बस आपका ये इशारा था, फकत मुझी को नहीं प्यारा है मेरा वतन, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। हमारे देश में अमन, शांति, आपसी प्रेम, हिंदू मुस्लिम एकता, हर त्यौहार, हर जश्न, हर यौम आज़ादी, हर यौम जम्हूरियत खुशियों से मिल करके हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाएं। कारी सब नाम बता दे। कारी मकबूल अहमद, इमाम मस्जिद ईदगाह, पीरवा टाउन, बाराबंकी। आज जो आपके मदरसे में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो जलसा मुनक्किद किया गया था, उसमें क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में बताइए। उसमें बच्चों ने देश के जो संविधान बने हैं उसके बारे में पढ़ा है, और देशभक्ति के गीत पढ़े हैं, और देश के जो हम देश में रहते हैं उसकी जो है उसकी उसके बारे में सुबोध दिया है कि हम भी मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा हक है, और हमारे जो कवानीन बने हैं उस पर जो है उन्होंने पढ़ा है सारी चीज़ें, गीत और तराने और मतलब गज़लें और नाते। आपका मदरसा कितना पुराना है, कितने साल से चला रहा है? इस मदरसे को हम 2005 से चला रहे हैं। 29 दिसंबर को हमने इसकी संगे बुनियाद की थी, हज़रत मौलाना सलमान हुसैन नदवी साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। लमसम 70-80 बच्चे हैं, जिसमें 25 बच्चे रहने वाले हैं। मदरसे का क्या नाम? मदरसा इस्लामिया नई बस्ती, पीरवा टाउन पश्चिमी, बाराबंकी, RBS मदरसा इस्लामिया। तो हर साल यहाँ पर 26 जनवरी को प्रोग्राम होते हैं, और 15 अगस्त को क्या क्या खास प्रोग्राम होते हैं? 15 अगस्त को देश जो आज़ाद हुआ है उसके ऊपर जो है जश्न मनाते हैं हम लोग, कौमी त्यौहार मनाते हैं, और हम सब अपना हक समझकर उस त्यौहार को मनाते हैं। तो कल 26 जनवरी है, कल भी क्या कोई झंडा रोहण या तरह का कोई प्रोग्राम होगा? 26 जनवरी को झंडा रोहण तो होगा ही होगा, और हम लोग हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप ऐसे उस्ताद क्या पैगाम? मैं छब्बीस जनवरी के मौके पर लोगों को, मैं एज ए मदरसा इस्लामिया मोहतमी मैनेजर
और सदर मतलब भी पैगाम दूंगा कि हम लोग देश में रहते हैं और जो देश के सब जो देश का संविधान है, जो देश के कानून बने हैं देश के, उस पर हम लोगों को मतलब गामजन रहना चाहिए, हम लोगों को मानना चाहिए और हम लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। और जो आरबीएस के मुखिया हैं आपके क्या कहते हैं असगर राय आजमी साहब, वो इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मदरसे में हर किस्म का ताउन, उस्ताद की तनख्वाह वगैरह और खाने का जो अरेंजमेंट है वो भी उसको करते हैं, तामीरी काम भी उसमें हिस्सा लेते हैं और जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी बाकायदा फ़ीस, और उन्होंने कहा है कि मदरसे को जो है वो बाकायदा पूरे तौर से हम दारुल उलूम बनाएंगे और जब वो हमारा साथ देते देंगे और साथ देते रहेंगे तो हम अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द उनको एक आरबीएस की तरफ से इंटर कॉलेज बना करके हम देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और वो कौम की इतनी खिदमत करते हैं कि अभी बहुत जल्द उन्होंने एक बच्चे का ऑपरेशन करवाया है, कौम के सारे आरबीएस के लोगों ने करवाया है, और जो मतलब आरबीएस पूरी फिक्र में रहती है कि जो है वो अपना पूरा जो कौम का और असगर भाई का और अबुल वैस साहब का और मोहम्मद एहसान साहब का और नसीम भाई हैं और अलाउद्दीन साहब हैं और सबीउद्दीन साहब हैं और मोहम्मद सुहेल साहब हैं, मोहम्मद उमैर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, मोहम्मद तुफेल हैं, ये सब आरबीएस के कारकुन हैं और आरबीएस की पूरी जो है टीम मतलब अपनी कौम के मदद करने को तैयार है। असगर राय आज़मी ने ये कहा है कि हम जो हमारा राय भट्ट समाज है हम पूरी तरीके से अपने समाज की मदद करेंगे और अपने समाज ही के लिए अपनी ज़िंदगी को मतलब लगा देंगे। और इंसान जो कब्र में क्या लेकर के जाएगा, कोई रुपया पैसा और दौलत तो लेकर के जाएगा नहीं। और मैं भी कभी गरीब था इसलिए मैं गरीबों की पूरी तरीके से मदद करूँगा, उनका ये पूरा कहना है। और वो पूरी तरीके से जो भी जहाँ जहाँ भी आरबीएस के, अभी उन्होंने आरबीएस का एक लखनऊ में होटल खोलने का ऐलान किया है जिसमें से उन्होंने ये कहा है कि 25% हम आरबीएस तंजीम को देंगे और 25% एहसान साहब ने कहा है कि हम आरबीएस तंजीम को देंगे। इस मदरसे में आपके कितने जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कितने हैं? इस मदरसे में पूरे स्टाफ और कुल मिलाकर के 3 लोग पढ़ाने वाले हैं और 2 लोगों का स्टाफ और है जो काम करने वाले हैं। हाँ, हमारा आरबीएस मदरसा इस्लामिया की मान्यता है और मदरसा इस्लामिया का 2011 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था और मदरसा इस्लामिया के मतलब ज़मीन मदरसे के नाम है। कागज़ में हम बहुत मजबूत हैं, कागज़ में कोई कलम नहीं रख सकता है। तो सरकार से क्या कोई आपने मदरसे के लिए कोई मांग की है या सरकार से हमने साइंस टीचर की फाइल भेजी हुई है, अभी उसमें कोई पैसा नहीं आया है। बाकी ये हमारी तंजीम हमारी पूरी मदद कर रही है और उसी के जो है उससे मदरसा चल रहा है। सर, एक अहम सवाल आपसे कि बहुत से बार कई बार लोग जो है मदरसों पर सवाल उठा रहे हैं कि मदरसों में किस तरह से आतंकवादी की घटना आई है कि आतंकवादी पैदा किया जाते हैं मदरसों में, जैसे कि वसीम रिजवी ने बयान दिया कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, पर उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा है, तो उसके बारे में क्या नजरिया है? देखिए, मदरसे में जिस तरीके का जो पैगाम दिया जाता है मदरसे में आपसी भाईचारे का, और हमारा कुरान जो है वो इस बात को जो है वो हमारे रसूल ने फरमाया कि अखलाक अल खल्क व अल्लाह, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे जो कौम है, पूरी जो मखलूक है वो अल्लाह के आयाल है, और जो अल्लाह की आयाल के साथ जो है अपना सोचा, तो जब हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो हम कैसे दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा सकते।